तो कुछ रिश्वत जायज है, कुछ मिसाल के तौर पे। नाज़रीन इकराम, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब की ये गुफ्तगु सुनिए। मैं डॉक्टर ज़ाकिर नाइक का बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं 15 साल से इनको सुन रहा हूँ। जी सवाल बताइए प्लीज। हाँ, सवाल ये है मेरा कि हमारे कुरान की आयत है अल राशी वल मुर्तशी केला हमा फिन नार, रिश्वत देने वाला और रिश्वत देने वाला दोनों जहन्नमी हैं। तो हमारे मुल्क पाकिस्तान में काफ़ी इदारे हैं, मैं इदारे का नाम लेना नहीं चाहता, और हिंदुस्तान में भी होंगे और मवाली मुल्क में भी रिश्वत देते होंगे। तो हमारे मुल्क में यहाँ बहुत एक छोटी सी काम की वजह से रिश्वत देना पड़ जाता है, ना देने ना चाहते हुए भी। तो फिर इसके लिए हमें क्या करिए, दोषी कौन है फिर, हम या जो जिसको दे रहे हैं वो है। भाई साहब ने कोई कुछ चीज़ अरबी में कही और कहा कुरान में लिखला रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला जहन्नम में। मैं इसी कोई कुरान मजीद की आयत नहीं जानता, हदीस में लिखा हुआ है। कुरान मजीद में जहाँ लिखा है रिश्वत हराम है वो सूरह बकरा है, सूरह नंबर 2 आयत नंबर 188। अल्लाह ताला फरमाते डोंट यूज योर वेल्थ, आप अपनी दौलत का इस्तेमाल मत करो हाकिम जज को अपने जजमेंट से तब्दील करने के लिए, ताकि आप दूसरे लोग की दौलत खा सके। डू नॉट यूज योर वेल्थ एज अ बेट फॉर जजेस इन ऑर्डर टू ईट अदर पीपल्स वेल्थ। ये कुरान की आयत है सूरह बकरा सूरह 2 आयत नंबर 188। ये जो बोले रिश्वत लेने वाला देने वाला नार में है, हदीस है कुरान की आयत में। जी सॉरी सर, आप समझे ना जी सर। तो अरबी में आपने क्या बोला मैं समझा नहीं, हदीस में आता है, कुरान में भी रिश्वत हराम है, हदीस में भी आता है, लेकिन ये हदीस में कहा नहीं निकलेगा नार में जाएंगे। ये लिखा है कि आप अपनी दौलत को इस्तेमाल मत करो जज को बेट देने के लिए, रिश्वत देने के लिए, बेट रिश्वत देने के लिए, ताकि आप दूसरे की दौलत हजम कर सके। सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 188। आपका सवाल था क्या रिश्वत देने वाला गलत क्या रिश्वत लेने वाला गलत, ये सवाल था आपका। जी सर। दोनों? जी सर दोनों गलत, लेने वाला भी गलत देने वाला भी गलत। बहुत मजबूरी होता है कि इस वजह से देना पड़ जाता है सर, वरना काम नहीं होता। छोड़ दो काम को, आम तौर के ऊपर रिश्वत देना हराम है, लेकिन ये आयत का आप मुताला करेंगे तो कई उलमा कहते इसमें लिखा है आप रिश्वत मत दो अगर आप किसका माल हड़प कर सके, तो कुछ रिश्वत जायज है। कुछ मिसाल के तौर पे आपका लाइसेंस नहीं बन रहा है और आप जानते हैं मैं गाड़ी चलाना जानता हूँ, ये हर टाइम मुझे फेल करता है। जी सर। उसके पहले मिसाल दूंगा, मैं पहली बार जब पाकिस्तान आया था 1991 में आया था मैं, तो मेरे पास बहुत लगे था, किताबें थे, कुरान थी, तो मैं ट्रेन में चढ़ा, ओवरवेट था, तो टीसी आता है टिकट टिकट, उस टाइम तो कोई जाकिर नायक को जानता ही नहीं था, आज तो माशाल्लाह जाऊंगा तो सब पहचानेंगे, उस टाइम कोई जानता ही नहीं था, टिकट टिकट ये क्या है, वजन करो ज्यादा हो गया। तो कूली मुझे बोला भाई साहब। जी सर। कूली ने बोला भाई साहब मुझे 50 रुपया दे दो मैं पास कराऊंगा। मैं बोला रिश्वत गलत है, तो वो टिकट वाले ने मुझे अंदर लेके गया, मैंने मेरी दावती काम शुरू किया, बाहर निकले वो उसने कहा वो टिकट कलेक्टर ने, एक शर्त पे आपको छोड़ूंगा, आपको मेरे साथ चाय पीना पड़ेगा। तो मैं बोला ठीक है, बाहर निकला चाय पी के, वो टिकट वाला कितना पैसा दिए, 100 रुपया दिए ना, नहीं दिया, कितना दिए, नहीं दिया, झूठ क्यों बोलता है, उसको यकीन ही नहीं कि टिकट वाला बिना पैसे मुझे छोड़ेगा, इतनी रिश्वत है यार, आप समझे। जी सर। वो तो मुझे जानता ही नहीं था मैं डॉक्टर ज़ाकिर नाइक हूँ, अरे बना कितना पैसा दिया, नहीं दिया, कितना दिया, बोलो ना साहब 200 रुपया दिया, नहीं दिया, बोलो ना साहब, झूठ क्यों बोलते हैं, मुझे झूठ बोलते हैं। अने सब पाकिस्तान को 100% पता है कि रिश्वत के बिना छोड़ेगा नहीं, लेकिन अल्लाह की जब मदद रहती है तो छूट सकता है, समझे। अपना मेरे पास कुरान की किताब थे, तर्जुमा थे, बांटने के लिए लेके आया था, समझे ना। तो ये गलत फहमी है कि रिश्वत के बिना काम नहीं होता है, माशाल्लाह मुझे तो रिश्वत देता ही नहीं, लेकिन उलमा क्या कहते हैं कि अगर वो रिश्वत से आप दूसरे का हक नहीं मारते तो इजाजत है। मिसाल के तौर पे आपको लाइसेंस, गाड़ी का लाइसेंस है, आप गाड़ी चलाना जानते हैं, तो ये भाई रिश्वत दे के छोड़ेगा नहीं, आप रिश्वत देते
तो आप गुनेगार नहीं, लेने वाला गुनेगार। सर यही पूछना था। लेकिन ये बहुत कम मौके थे, बहुत कम। ओवर वेट के रिश्वत दूंगा तो मैं गुनेगार, क्योंकि मेरी गलती है, आप समझे ना जी सर। अगर ओवर वेट को टिकट कलेक्टर में रिश्वत दिया, मैं क्या करूंगा, 500 दंड भरूंगा। मजबूरी क्या है भाई, ओवर वेट क्यों लेके गए आप, क्यों लेके गए? अभी आपको मिसाल दूंगा, मैं आ रहा था, हमारा 1000 किलो था। पीआईए के मैंने सीईओ से बात किया, नाम नहीं लेता हूं, कौन सीईओ, कंट्री मैनेजर से बात किया, डॉक्टर साहब आपके लिए कुछ भी करूंगा। मैं बोला ठीक है भाई, 6 लोग जा रहे थे। मैंने बोला भाई 500-600 किलो ज्यादा है। हाँ हाँ डरो मत, मुझे 50% डिस्काउंट दूंगा। मैं बोला भाई 50% डिस्काउंट के बदले में और 4 लोग को लेके आऊं, और सस्ता पड़ेगा ना। बोला देने का तो फ्री दे, मतलब मत दे, ठुकरा दिया मेरे। पीआई पाकिस्तान एयरलाइन, अरे इंडियन में कोई भी गैर मुस्लिम मुझे देखेगा तो फ्री में छोड़ेगा, ये है इंडिया। गैर मुस्लिम डॉक्टर जाकिर नायक को देखेगा 1000 किलो 2000 किलो छोड़ देता है, ये पाकिस्तान है। गवर्नमेंट का गेस्ट हूं मैं, मेरे वीजा पे लिखा हो स्टेट गेस्ट, और आपका सीईओ पाकिस्तान का बोलता है 50% डिस्काउंट देगा, चार्ज कर रहे 110 रिंगेट 1 किलो का। मुझे इतना दुख हुआ कि पाकिस्तान में मैं आ रहा हूं, डॉक्टर जाकिर नायक स्टेट गेस्ट है, और वो 300 किलो छोड़ नहीं सकते, बोलते 50% डिस्काउंट देंगे, मुझे नहीं चाहिए तेरा डिस्काउंट। मैंने 4-6 लोग और ले गया, मेरा सामान ले गया। सच बोलने को मुझे दुख होता है, बट ये पाकिस्तान का हाल। इंडिया में वो हिंदू मुझे देखेगा, डॉक्टर साहब है जो भी कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे, ये इंडिया है। आज के तारीख में भी मोदी गलत है, इंडियन नहीं, इंडिया गलत नहीं है, मोदी गलत है। मोदी आज ये कल नहीं रहेगा। जो इज्जत मुझे इंडिया में मिलती है, पाकिस्तान के लोग चाहते मुझे, ये कहता हूं मैं, चाहते पाकिस्तान के लोग मुझे। नारे तकबीर जाकिर नाइक सरिश्ता क्या। जब हम दावत करते हैं ना इंडिया में, हिंदू लोग मेरे पांव छूते। मैं बोले भाई गलत है भाई, आराम है। बोलते डॉक्टर जाकिर नाइक की बैग नहीं खोलेंगे हम। इतने जगह में इंडिया से घूमा, 50 लोग को लेके गया, कभी ओवरवेट दिया ही नहीं मैंने। हिंदू लोग बोलते भाई ये तो भाई भगवान का आदमी है, मैनेजर है मैनेजर, यहाँ तो मैं सीईओ से बात करता है। अरे डॉक्टर साहब मैं आपका फैन हूँ। नाज़रीन किराम, आपने ये गुफ्तगू सुनी डॉक्टर जाकिर नायक साहब की। इसी तरह से नाज़रीन कुछ वक्त हो चुका है डॉक्टर जाकिर नायक साहब को पाकिस्तान में, इन्होंने मुख्तलिफ पाकिस्तान के इलाकों में सवालात और जवाबात जो स्टूडेंट्स ने किए, उनके स्टूडेंट्स ने जो सवालात किए उनके जवाबात दिए, मुख्तलिफ लोगों से मुलाकातें की, जिसमें मौलाना तारिक जमील साहब से भी उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ मुलाकात की, और मुख्तलिफ सहाफ़ियों ने भी डॉक्टर जाकिर नायक साहब का इंटरव्यू किया। डॉक्टर जाकिर नायक साहब ने दीनी तालीम के बारे में भी बताया, दुनियावी तालीम के बारे में भी बताया। इसके अलावा बहुत से इंतहाई अहम टॉपिक्स जो डॉक्टर जाकिर नायक साहब ने कवर किए हैं। अब देखते हैं नाज़रीन, लोग उन पर तनकीद भी कर रहे हैं। अब इकरारुल हसन साहब ने भी डॉक्टर जाकिर नायक पर तनकीद की है, इस बारे में आप क्या कहते हैं? हो सकता है आपने वो वीडियो देखी हो, अगर देखी है तो उस बारे में आप क्या कहते हैं? अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिए। मुझे दें इजाज़त, अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।